हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आज बात करेंगे, ये जो गंदा पानी आ रहा है इनलेट से, ओवरहेड टैंक है ये, इसमें ये क्यों आता है, इसका रीज़न क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं और इसके प्रिकॉशन क्या हो सकते हैं ये ना आए, तो इसकी अपन आज बात करेंगे। ये दोस्तों आप देख रहे हैं टैपिंग पॉइंट, ये हाउस सर्विस कनेक्शन है। इनमें जो दोस्तों ये पानी किसी टैप में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, एक ब्रास फ्यूरल होता है। जो ब्रास फ्यूरल में अगर मिट्टी चली जाए, इनकेस अगर आपका ज़रा सा भी कंकड़ पत्थर फंस जाए, तो उसमें क्या होता है, या तो पानी का प्रेशर स्लो हो जाता है या फिर कभी कभी तो चोकिंग भी हो जाती है। तो हाउस सर्विस कनेक्शन पे लोग बहुत परेशानी होती है, वहाँ पानी जाना बंद हो जाता है। जो भी साइट इंजीनियर होता है साइट पे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये देखे कि आपका जब भी आपका जैसे DI पाइप का कनेक्शन हो रहा है या SGP पाइप का बट फ्यूजन जॉइंट या फिर इलेक्ट्रो फ्यूजन जॉइंट के जॉइंट हो, और टेस्टिंग के मतलब तुरंत बाद ही आपको फ्लैश आउट करना ज़रूरी होता है। अगर अपन उसको फ्लैश आउट नहीं करेंगे तो उसमें क्या होता है, कभी कभार एंड कैप नहीं लगाया तो उससे मिट्टी चली जाती है, तो वो मिट्टी पाइप के अंदर रहती है, और जब अपन पानी सप्लाई करते हैं तो वो मिट्टी पानी, या तो आपका अगर आपका फीडर मेन में होगी टंकी भरने वाले में, तो वो टंकी में आएगी और टंकी के थ्रू सप्लाई होकर पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में फैल जाएगी, या फिर अगर आपका किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किसी एक पर्टिकुलर पाइप में है तो उस पाइप को वो चोक कर देगी। इसका सबसे अच्छा अपन को ये देखना है कि इसकी फ्लैशिंग करनी है। जब अपन हाइड्रो टेस्ट कराते हैं, अप्रॉक्स 1200 मीटर पे कराते हैं, 1 किलोमीटर से 1200 मीटर पे, तो उसको क्या करना है दोस्तों कि इंटरकनेक्शन के पहले हाइड्रो टेस्ट जैसे ही हुआ, अपन को उसको फ्लैश आउट कर देना है, तो जो भी मिट्टी विट्टी वगैरह होगी वो सब निकल जाएगी। और एक रीज़न और होता है फ्लैश आउट करने के लिए कि ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अब अपने पाइप साइड पे डंप है, मान लीजिए उसमें कोई चूहा घुस गया या किसी ने कुछ घरर बना लिया अपना, काफ़ी टाइम तक लॉन्ग ड्यूरेशन तक रखे रहते हैं पाइप, तो उसमें पन्नी लेके चला गया चूहा, तो वो पन्नी भी कभी चोकिंग के उसमें आ जाती है। जैसे आपका रिड्यूसर लगा है कहीं कोई पाइप का, तो वो रिड्यूसर में फंस जाएगी पन्नी और वो चोकिंग कर देगी, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट से कुछ वाटर सप्लाई के दोस्तों, इसको याद रखना ज़रूरी है, इसको साइट पे इसका एग्जीक्यूशन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो साइट पे जो चल जाता है तो हो जाता है, लेकिन जब अपन इसको स्टार्ट करते हैं वाटर सप्लाई को, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम सामने आती हैं, तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आती हैं। तो इसको अगर साथ साथ पैरेलली कराते चलें तो ज़्यादा बेटर रहता है हर साइट इंजीनियर के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये फ्लैश आउट हो रहा है, इसमें थोड़ा वाटर की होती है वेस्टेज, लेकिन ये एक नेसेसरी पॉइंट है, इसको ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू।